हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है न्यू मदर्स व ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ का डाइट प्लान क्या होना चाहिए। डिलीवरी के बाद बॉडी बहुत वीक हो जाती है क्योंकि उस समय ऑर्गन्स जो एक्सटेंड हो चुके हैं, जैसे यूटेरस और भी ऑर्गन जो बॉडी के अंदर के एक्सटेंड हो गए हैं, वो नॉर्मल शेप में आ रहे होते हैं। इसलिए आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको अपने डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप इस टाइम पर अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रखेंगी तो आप देखेंगी बॉडी बहुत जल्दी रिकवरी कर लेगी। साथ ही साथ अगर आप अपनी डाइट का ध्यान रखेंगी तो बच्चे को आप जब ब्रेस्ट मिल्क देंगी तो वो भी न्यूट्रिशन से भरा हुआ होगा, जिससे बच्चे की भी अच्छी ग्रोथ होगी। आपको अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। इसलिए इस वीडियो में हम तीन मेन पॉइंट कवर करेंगे। पहला है न्यू मदर्स या ब्रेस्ट फीड कराने वाली माँ को क्या खाना खाना चाहिए, सेकंड क्या नहीं खाना चाहिए, और थर्ड है पूरे दिन में क्या डाइट प्लान होना चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप हमारी सभी पेरेंटिंग रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आपको अपने खाने में जो शामिल करना है, पहली चीज़ वो है बादाम का हरीरा। ये आप डिलीवरी के 3 दिन बाद से स्टार्ट कर सकती हैं, चाहे आपकी सिजेरियन हुई है या नॉर्मल डिलीवरी हुई है। बादाम का हरीरा बहुत जल्दी आपकी बॉडी को हील करता है। इससे न केवल आपकी बॉडी की हीलिंग होती है, बल्कि आप एक एनर्जेटिक फील करने लगती हैं। जो डिलीवरी के बाद एक डलनेस आ जाती है, आप देखेंगे कि बादाम के हरीरे से आपकी एनर्जी बहुत जल्दी बढ़ेगी। इसको बनाने की रेसिपी हम बहुत जल्दी अपने चैनल पे डाल देंगे। इसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लीजिए। ड्राई फ्रूट्स को कैसे ना कैसे करके अपनी डाइट में आपको शामिल करना है। कम से कम आपको 6-7 बादाम खाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप 2-3 ग्लास दिन में दूध लीजिए, 1 ग्लास छाछ लीजिए या दही लीजिए एक कटोरी भर के। यानी आपको डेयरी प्रोडक्ट अच्छे से खाना है। इससे आप देखेंगे कि मिल्क सप्लाई भी आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको खाने में दलिया ज़रूर खाना है। दूध दलिया खाएंगी तो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी बढ़ेगी। और दलिया आप नमकीन दलिया भी ले सकती हैं या आप दूध दलिया भी ले सकती हैं। दलिया में बहुत फाइबर होता है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी है तो उसके बाद कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं, तो दलिये से आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो दलिये को किसी ना किसी फॉर्म में अपनी डाइट में डेली शामिल करिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियाँ। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए, कैल्शियम और आयरन प्रचुर मात्रा में होता है। तो कम से कम आपको दिन में 2 कटोरी हरी सब्जी ज़रूर खानी है। आप अपनी डाइट में लौकी को भी शामिल कर सकती हैं। लौकी अगर आप दिन में एक बार लेंगी तो आपका मिल्क सप्लाई भी बढ़ेगा और इजी टू डाइजेस्ट भी होती है, जिससे आपको गैस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको प्रोटीन लेना है, जिसमें दिन में कम से कम 3 कटोरी आपको दाल ज़रूर लेनी है। आप हरी मूंग की छिलके दाल ले सकते हैं। ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट हो रही है। अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है दाल से उस केस में, तो ये बहुत इजी टू डाइजेस्ट होती है। आप हर कोई दाल खा सकती हैं, बस छोले और राजमा को अवॉइड करिए क्योंकि ये गैस बनाते हैं। तो शुरुआत के कुछ दिनों तक इसको अवॉइड करिए। नेक्स्ट है, कम से कम आपको दिन में 2 बाउल फ्रूट्स लेने हैं। सारे फ्रूट्स मिक्स करके ले सकती हैं आप, कोई भी फ्रूट्स आप लीजिए। तो आप ध्यान रखिए कि दोपहर के टाइम में लीजिए, क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर आप शाम को लेंगे तो जिससे सर्दी जुकाम होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसलिए दोपहर में 2 बाउल कम से कम आपको फ्रूट सैलेड लेनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपनी डाइट में चुकंदर लीजिए, क्योंकि डिलीवरी के बाद काफ़ी ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। तो आप चुकंदर लीजिए, इसमें आयरन बहुत होता है, इसलिए आप चुकंदर लीजिए। साथ ही साथ आपको विटामिन सी भी लेनी है, क्योंकि जब आप विटामिन सी वाले फ्रूट्स लेते हैं तो वो बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि आपको क्या नहीं खाना है। सबसे पहली चीज़, ऐसी जो भी चीज़ है जो आपको गैस बनाती है, वो आपको नहीं लेनी है। गैस बनानी है तो वो आपको गैस बनेगी, तो साथ ही साथ अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो बच्चे को भी गैस बनेगी, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ऐसी चीज़ें, जो भी खाने की चीज़ें आपको गैस बनाती हैं, वो मत लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको स्मोकिंग और अल्कोहल से बिल्कुल दूर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बाहर का खाना आपको नहीं खाना। ज़्यादा तला भुना और मसालेदार खाना आपको नहीं खाना है। तो ये चीज़ों को आपको बहुत ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि आपका डाइट चार्ट क्या होना चाहिए। सुबह उठने के बाद आपको 2 ग्लास पानी पीना है। नेक्स्ट है,
एक घंटे के बाद एक ग्लास दूध लीजिए, हल्दी वाला दूध लीजिए, जिससे आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आप ब्रेकफास्ट में दो स्टफ्ड पराठे लीजिए, पोहा ले सकती हैं, उपमा ले सकती हैं, नमकीन सेवई ले सकती हैं, उसमें खूब सारी वेजिटेबल्स मिक्स करके डालिए। डोसा ले सकती हैं, दलिया ले सकती हैं, या पनीर का कोई आइटम ले सकती हैं। आप ब्रेस्टफीड करा रही हैं तो आपको जो भी खाना आप पहले खाती थी उसका डेढ़ गुना खाना लेना है, तो इसलिए आपको अपनी डाइट थोड़ी बढ़ानी होगी। दो घंटे के बाद आप बटर मिल्क ले सकती हैं, सैलड ले सकती हैं, फ्रूट सैलड ले सकती हैं। लंच में तीन चपाती लीजिए, राइस लीजिए, सैलड लीजिए, दही लीजिए, दाल लीजिए और सब्जियां लीजिए। 4 बजे गोंद के लड्डू ले सकती हैं, घी का हलवा ले सकती हैं। डिनर में आप जैसे लंच में लिया है वही चीज़ लीजिए, चपाती की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती हैं, 3 की जगह 2 लीजिए या उससे भी कम लीजिए। रात को सोने से पहले कम से कम 1 घंटे पहले 1 ग्लास दूध पी लीजिए। अगर आप रात को ज़्यादा लेट दूध पियेंगी तो उस केस में फिर गैस बनने के चांसेस हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।